नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और तारीख के नजदीक आते आते प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही है। खास तौर से बातचीत करूंगा, अम्बेटा पीरी की महिला पीछे मौजूद है, बातचीत करेंगे इस बार यहाँ की जनता किसको चेयरमैन बनाएगी। क्या नाम बेटा? मेरा नाम रुकमेश है और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या कुछ चाहती हो इस बार? कुछ बता रहे हैं कुछ परिवर्तन चाहती है जनता, तो लगता है ऐसे में तमाम प्रत्याशी मैदान में, एक तरफ भाजपा की बात करें, कोई निर्दलीय है, कोई बता रहे कि इस बार समाजवादी की साइकिल तेज चल रही है, लगता है ऐसे में यहाँ पे कौन चेयरमैन बन पाएगा किस पार्टी का? बहुजन समाज पार्टी का ही बनना चाहिए भाई। क्यों मानते हैं ऐसा कारण कि बहुजन समाज पार्टी का बने? क्योंकि जो ये बहुजन समाज पार्टी है वो हमारी बहन जी है मायावती, जो हम उसको ही नीचे डाल देंगे तो फिर हमारी तो कुछ चलने से रही, इसलिए हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमारी वो बने। दलित समाज से है तो ऐसे में लगता है दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के अंदर सुरक्षित है। हाँ जी। मगर इस बार जो आप देख रहे हो दलित तो कुछ डाइवर्ट होता जा रहा है, भीम आर्मी की बात करें चाहे आजाद समाज पार्टी की बात करें, चंद्रशेखर रावण को भी काफी पसंद करते हैं आजकल का युवा, क्या कहेंगे? तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे चेयरमैन और मेंबर पढ़ा लिखा होना चाहिए जो भाई सबकी सहायता करे, हम तो ऐसे चाहते हैं चेयरमैन बस। ऐसा है कोई आपकी नजरों में? बस देखते हैं कि जो कुछ कराते हैं हमारे यहाँ। चलो जी कुछ और है उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है बहन जी? मेरा नाम विनती है सर जी। तो इस बार किसको बना रहे हैं बेटा के अंदर चेयरमैन? इनाम शाकिर को। इनाम शाकिर जी बता रहे हैं कि इस बार फूल खिलने जा रहा है यहाँ पे बेटा पीर में, रोहिला जी है जो तो समय बताएगा क्या खेलता है, हाथी चलता है कि साइकिल चल रही बड़ी तेजी से इस बार हम बेटा में। अब तो सब चीज चल रही है, सब चीज दौड़ पाए तो नईम जी है, कह रहे हैं हम बेटा का लालू यहाँ की जनता का ख्याल रखूंगा। हाँ जी सबका सब चल रहा, साइकिल भी चल रही, फूल भी खिल रहा, हाथी भी चल रहा है, सारे चल रहे मस्तानी चल रहे हैं। हाँ जी। तो किसे बना रहे हैं चेयरमैन आखिर? इनाम चेयरमैन जी। इनाम चेयरमैन तो है, युवाओं की राय लेंगे भाई साहब, किसे बनाएंगे इस बार चेयरमैन हम बेटा में? इनाम शाकिर बनेगा जी। इनाम शाकिर, क्या कारण मानते हैं इनाम शाकिर ही बने? कारण तो ये है जी, देखो 10 साल हो गए उन्हें चेयरमैन नहीं करते हुए। हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे कस्बे में अमन चैन है, बिल्कुल शांति, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काम भी हुआ है, ऐसा नहीं है। और हमारी राय यही है कि आपके समाज से राजकुमार खुराना जी में बड़ी जोरों शोरों से तैयारी है मैदान पे जी, हवा भी नहीं आती अब की बार, हम पिछली बार भी दूसरे नंबर पे रहे थे, हाथी का निशान है और ये मेरा पूरा दलित समाज खड़ा है, पूरा डंके की चोट पे हाथी पे वोट गिरेगा। इस बार बता रहे कि इशरत निर्षाद की साइकिल भी खूब तेजी पकड़ रही है अम्बेटा में, तो हवा हवा बना रहे हैं, हवा बनाने से कुछ नहीं होगा। कल को किलेश जी भी आ रहे हैं सहारनपुर में, दिक्कत नहीं, जब डब्बे खुलेंगे ना एक तरफा हाथी हाथी हाथी, जब देखियो हाथी थोड़ा कमजोर चाल चल रहा है। नहीं 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 ऐसा नहीं होने का, कोई कह रहे फूल खिल रहा है यहाँ पे रोहिला जी का जी, वो तो बस वो समय बतावेगा, समय बतावेगा वो जाएगा। हाँ। चलो भैया आपका आपसे बात करें। मेरा नाम बिट्टू कुमार सोनोम नाथीराम मोहल्ला नयावास, हम अपनी पार्टी से हैं और अपना विचार रखेंगे कि पार्टी से हैं जी, और हमें इतना बहुत अच्छा लग रहा है कि आजकल सभी महिलाएं सभी लेडीज आजकल सब सुरक्षित है, तो योगी जी की सरकार में सुरक्षित है तो नहीं, चलो सरकार वो ऊपर वाली उनकी है, पर आज हमारे बच्चों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मेरी बहने माता बता दे कि कोई दिक्कत है। और बहन जी की सरकार भी नहीं सुरक्षित होती थी महिलाएं? नहीं वो तो बहुत ज्यादा सुरक्षित थी, उससे भी ज्यादा सुरक्षित थी जी, कोई दिक्कत है कोई बात है? हमारे मेंबर साहब हैं धर्म सिंह जी, हमारे चेयरमैन साहब हैं साखिर जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे, 10 साल से काम कर। सरकार तो नहीं बनेगी आपके, लोकल की सरकार बनेगी, तो ऐसे में एक सवाल यह है कि किस पार्टी का यहाँ से चेयरमैन बने? हमारा चेयरमैन साहब साखिर साहब 10 साल से राजनीति कर रहे हैं, आज तक के किसी ने यहाँ, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, आज तक किसी ने यहाँ पे खंबा लगवाया, बड़ा खंबा किसी ने? हमारे चेयरमैन साहब ने यहाँ खंबा भी लगवाया, लाइटों की सुविधा भी करवाई और पानी की सुविधा भी आगे तक पहुँच गई, जहाँ तक के मतलब हमारे उसमें भी नहीं आती ना वो, वहाँ तक के वहाँ लाइटें पहुँच गई, वहाँ तक पानी भी पहुँच गया। मगर एक नईम भाई हैं जिन्होंने कहा था कि अम्बेटा का लालू आपका ख्याल रखूँगा, कैसे देखते हैं उनको? देखो हम ये नहीं कहते कि भाई चलो ये बुरे हैं, हमारे लिए वो भी अच्छे हैं, पर हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते, पर अपनी जो पार्टी है ना, हम बस से बड़े बदनाम हैं, हम दलित समाज बदनाम कहाँ पे है? आप एक आदमी किसी को वोट दे के दिखा दो, कहाँ कहाँ होगा उसका वोट? दलित समाज इस बार बहन जी के साथ ही चलेगा, अजी दिलो जान से चलेगा। क्यों जी, माता जी सही कह रहे हैं क्या? सही कह रहे जी, जो है इस बार बहुजन समाज के साथ चलेगा जी। कुछ कह रहे हैं कि इस बार भाजपा के साथ जा रहा है दलित समाज?
जी नहीं जी, बस हो क्या कह रहे गुड़िया, बेवकूफ है जो भाजपा के साथ जा रहा है, वरना दलित भाजपा के साथ बेवकूफ जा रहा है। अरे उत्तर प्रदेश में सरकार बना रखी है बाबा योगी आदित्यनाथ ने, बना रखी है पक्की बात है, लेकिन आपके यहाँ से भाजपा से योगी सरकार है, लेकिन नीचे अपनी सरकार होनी चाहिए ना, जैसे कि दलित समाज है और दलित समाज के लिए हाथी चलाया तो हाथी पे ही मोड़ लगेगी, उससे अलावा नहीं। वो बेवकूफ है जो बिना हाथी के चलेगा। कुछ बता रहे कि साइकिल तेजी चल रही है बेटा पीर में, चल रही है लेकिन जो दौड़ेगा उसके मोड़ लगेगी ना, बिना बात के थोड़ा ही ना। खूब दौड़ रहा हूँ बेटा में, दौड़ेगा ही। क्या करते हैं, पढ़ते हैं क्या करते हैं, कौन पढ़ते हैं क्या करते हैं? मैं बीए सेकंड ईयर है मेरी, बीए सेकंड ईयर स्टूडेंट है। तो क्या कुछ चाहते हैं कि स्टूडेंटों के लिए खासतौर से ये सुविधाएं होनी चाहिए? सुविधा तो देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं अम्बेटा पीर में जो पढ़ नहीं पाते हैं, कि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए बिल्कुल, और लाइब्रेरी होनी चाहिए अम्बेटा में, और थोड़ा बहुत मतलब आप लोग देख ही रहे हो क्या है क्या नहीं। जैसे आप कह रहे हैं कि जो भाजपा को देंगे वो पागल हैं, मगर बात करें योगी सरकार तो बोलते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं और हमारे विधायक साहब यहाँ बीजेपी से हैं, अगर यहाँ की जो है बीजेपी से ही चेयरमैन बनेगा तो अच्छा विकास होगा। विकास तो देखो अलग बात है, आज तक के इनाम साकिर बने हैं, 10 साल हो गए उनको बने, और देखो तरक्की भी अम्बेटा कितनी कर रहा है। अगर आने वाले टाइम में जो इंसान बोल रहा है वो कर नहीं रहा है तो उसका फायदा क्या है? जो इंसान करेगा और बोलेगा फायदा उसका है, और जो नहीं बोल रहा है मतलब उसका क्या करना। राजकुमार खुराना जी को कैसे देखते हैं, दूसरी बार रहे और आप ही के समाज से हैं? हमारे समाज से है, लेकिन देखो सबका अपना अलग अलग मानना है, मेरा तो मानना यह है कि दलित समाज है, हाथी को वोट देनी चाहिए, और अलग बात है कि अगर कोई कास्ट को देता है तो वो गलत है, और जो अच्छी सरकार है वोट उसी को मिलना चाहिए, ना कि किसी चलते राह को। तो योगी सरकार अच्छी सरकार नहीं है आपके? मैंने ये नहीं कहा कि योगी सरकार अच्छी सरकार नहीं है, मैंने ये कहा है कि अम्बेटा पीर में हाथी की सरकार होनी चाहिए, हाथी की सरकार होनी बिल्कुल। चलिए आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अम्बेटा की जनता जिन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी, आप किस वीडियो में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, धन्यवाद।